हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आज मैं आपके सामने स्टार्ट करने वाला हूँ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो MGF है, दैट इज एम मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, वो किस तरह से हम निकालते हैं अबाउट द ओरिजिन, प्लस MGF की हेल्प से हम किस तरह से मीन और वेरिएंस निकालते हैं, ये भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ। और स्टूडेंट, मैंने जो प्रोबेबिलिटी पे मेरे पुराने जो वीडियोस हैं लाइक रैंडम वेरिएबल के, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल क्या होता है, दैन मैंने आपके सामने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन और इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल मैंने आपके सामने और एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में मैंने आपको बताया। तो स्टूडेंट देखिए, यहाँ पे जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसका MGF किस तरह से निकालते हैं, उसके बाद मैं आपके सामने लेने वाला हूँ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जो एरिया प्रॉपर्टी होती है उस पे बेस्ड क्वेश्चंस। सो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन क्या होता है, मैं आपको पहली बात तो मैं आपको बता दूँ कि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसका जो PDF होता है वो कितना होता है, सिग्मा अपॉन रूट टू पाई ई की पावर माइनस वन बाई टू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा का होल स्क्वायर। यहाँ पे एक्स की जो वैल्यू होती है वो माइनस इन्फाइनेट से इन्फाइनेट के बीच में होती है ना। तो देखिए आप यहाँ पे किस तरह से MGF निकालते हैं स्टूडेंट, हम जानते हैं MGF का जो फार्मूला होता है वो होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई की पावर एक्स टी, और जैसे हम इसको खोलते हैं तो ये आएगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई की पावर एक्स टी एफ एक्स डी एक्स। सो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए आप क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई की पावर एक्स टी, और ये एफ एक्स की वैल्यू हम रखेंगे सिग्मा अपॉन रूट टू पाई ई की पावर माइनस वन बाई टू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। सो यहाँ पे क्या होगा, ये जो सिग्मा अपॉन रूट टू पाई है ये हम निकालेंगे माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई की पावर एक्स टी, देन ये आएगा आपके पास यहाँ पे e की पावर माइनस वन बाई टू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो अब आप क्या करेंगे, इसको आप ले लेंगे यहाँ पे, अब z मान लीजिए इसको, तो मैं इसको z ले लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, लेट x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा को आप क्या ले लीजिए, z ले लीजिए। तो मैं इसको z मारता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए डी एक्स अपॉन ये तो सिग्मा हो जाएगा इज इक्वल टू डी जेड, तो डी एक्स इज इक्वल टू आपके पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, सिग्मा डी जेड आएगी। ये वैल्यू उठा के हम यहाँ रखेंगे तो वन अपॉन सिग्मा रूट टू पाई माइनस इन्फिनिटी टू, क्योंकि हम जब एक्स की जगह हम क्या रखेंगे यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी रखेंगे तो जेड भी माइनस इन्फिनिटी आएगा, और इन्फिनिटी रखेंगे तो भी इन्फिनिटी आएगा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। नाउ एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, तो स्टूडेंट ये सिग्मा जेड आएगा उधर म्यू चला जाएगा, तो ये आएगा म्यू प्लस सिग्मा जेड, ठीक है। नाउ यहाँ से आपके पास कितनी वैल्यू आएगी, ई की पावर माइनस ये आएगा आपके पास जेड स्क्वायर बाई टू सिग्मा डी जेड आएगा। नाउ ये सिग्मा से ये सिग्मा हमने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। इसको सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू इंटू टी बी है, यहाँ पे इंटू टी बी है, तो इस टी को हमने लिखना पड़ेगा, है ना। तो देखिए आप यहाँ पे क्या होगा, ये वन अपॉन रूट टू पाई, मैं इसको लिखता हूँ बराबर एम एक्स टी, है ना। तो यहाँ पे जो इसकी वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, देखिए ध्यान दीजिए, ये आएगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई की पावर, मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ई की पावर क्या आएगा, ये म्यू टी, और ये इसको इससे मल्टीप्लाई, ई की पावर कितना आएगा यहाँ पे सिग्मा जेड टी, है ना, और ये आएगा ई की पावर माइनस जेड स्क्वायर बाय टू इंटू डी जेड, राइट। नाउ अब क्या करेंगे स्टूडेंट, ये ई की पावर जो म्यू टी इसको बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि इस ये कॉन्स्टेंट है, क्योंकि इसमें ये इंटीग्रेशन जेड के रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो इसको हम बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी रूट टू पाई e की पावर म्यू टी, हमने बाहर निकाल दिया, तो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। नाउ अब क्या करते हैं स्टूडेंट, थोड़ा समझने की जरूरत है, हम माइनस वन बाई टू को बाहर निकालते हैं, लाइक माइनस वन बाई टू का आपने बाहर निकाला तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास वैल्यू आएगी जेड स्क्वायर माइनस टू सिग्मा जेड टी, हमने हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब ध्यान दीजिए, मुझे इसको होल स्क्वायर बनाना है, तो मैं क्या करता हूँ, लाइक यहाँ जेड स्क्वायर आ रहा, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे आएगा सिग्मा टी का होल स्क्वायर ऐड करता हूँ, सिग्मा टी का होल स्क्वायर सबट्रैक्ट करता हूँ इनटू डी जेड कर देता हूँ, बोलो जी सही है कि नहीं, है ना। इसको ऐड किया और इसको मैंने सबट्रैक्ट किया, अल्टीमेटली ये तो वही रहा। नाउ अब क्या होगा, ई की पावर म्यू टी अपॉन रूट टू पाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, बेटा यहाँ से इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी आएगी, ई की पावर माइनस वन बाई टू जेड माइनस सिग्मा टी का होल स्क्वायर, और ये माइनस वन बाई टू जब इससे मल्टीप्लाई होती है आएगा सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन टू डी जेड। स्टूडेंट ये भी कांस्टेंट है, इसको भी हम बाहर की तरफ निकाल सकते हैं, और ये जब बाहर होगा तो ई की पावर और ये ई की पावर ऐड हो जाएगा, तो ये आएगा म्यू टी प्लस सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर बाई टू अपॉन रूट टू पाई। और स्टूडेंट ये इवन फंक्शन है, तो इसको माइनस इन्फाइनाइट को हम लिख देंगे जीरो से इन्फाइनाइट और ट्वाइस। और अब ध्यान दीजिए, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, लाइक ई की पावर माइनस वन बाई टू जेड माइनस सिग्मा टी का होल स्क्वायर इंटू डी जेड। नाउ अब इसको क्या करेंगे, लाइक वन बाई टू जेड माइनस सिग्मा टी को हम थीटा मान लेते हैं, है ना, इसका होल स्क्वायर को हम क्या मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं। नाउ इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, टू आ गया आएगा, तो स्टूडेंट जेड माइनस
सिग्मा टी है ना, और ये 2 आगे आएगा तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसल इनटू डी जेड इज इक्वल टू डी थीटा। नाउ स्टूडेंट क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे तो डी जेड इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन जेड माइनस सिग्मा टी, और ये जेड माइनस सिग्मा टी की वैल्यू स्टूडेंट यहाँ पे क्या होगा 2 उधर ले जाएंगे रूट ले लेंगे, तो ये आएगा जेड इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन रूट 2 थीटा, ये उठा के यहाँ रखेंगे हम। तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, मैं थोड़ा सा इसको ऐसे लिख देता हूँ है ना, तो ये आपके पास जो वैल्यू आएगी एम एक्स टी इज इक्वल टू 2 ई की पावर म्यू टी प्लस सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 2 अपॉन रूट 2 पाई, ये आपके पास आएगा 0 से इन्फिनिटिव ई की पावर माइनस थीटा स्क्वायर अपॉन रूट 2 थीटा इंटू डी थीटा आएगा। नाउ अब क्या करते हैं, रूट 2 को बाहर निकाल दीजिए आप, तो ये आएगा 2 ई की पावर म्यू टी प्लस सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 2 डिवाइडेड बाई रूट 2 2 हो जाएगा, देन ये होगा रूट पाई, और ये रूट थीटा को ऊपर ले जाइए तो 0 से इन्फिनिटिव थीटा की पावर माइनस 1/2 ई की पावर माइनस थीटा डी थीटा, दिस इज थीटा राइट। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, ध्यान दीजिए मैं आपको बता चुका हूँ गामा और उसका फंक फार्मूला, और गामा का फार्मूला क्या होता है 0 से इन्फिनिटिव एक्स पावर एन माइनस 1 ई की पावर एक्स डी एक्स की वैल्यू किसके बराबर होती है गामा एन के बराबर होती है, तो यहाँ पर थीटा आ जाएगा, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, ये थीटा आ जाएगा, ये थीटा आ जाएगा और ये थीटा आ जाएगा, इसकी वैल्यू गामा एन हो जाएगी राइट, एक पावर बढ़ के गामा आ जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे माइनस 1/2 है, तो माइनस 1/2 हम ऐड करेंगे तो प्लस 1/2 हो जाएगा, और प्लस 1/2 का मतलब होता है गामा 1/2, और गामा 1/2 की वैल्यू कितनी होती है, ये 2 से 2 कैंसिल, सो ये आएगा ई की पावर म्यू टी सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 2 इंटू रूट पाई, और स्टूडेंट इसकी वैल्यू होगी गामा 1/2, और गामा 1/2 की वैल्यू रूट पाई होती है, तो रूट पाई से रूट पाई क्या हो जाएगा कैंसिल, तो इसका जो एम जी एफ आएगा, मैं यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो इसका जो एम जी एफ आएगा वो स्टूडेंट कितना आएगा लाइक एम एक्स टी इज इक्वल टू ये आएगा ई की पावर म्यू टी प्लस क्या आएगा पावर में सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 2, तो ये इसका क्या आता है एम जी एफ आता है। तो इस तरह से हम यहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्या निकालते हैं एम जी एफ निकालते हैं। मैं आपको फिर से हल्का सा बता देता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन आपको दे रखा है तो ये हमारा PDF है, देन ई की पावर एक्स टी एक्सपेक्टेड वैल्यू, देन ई की पावर एक्स टी FX की जगह ये रख दिया हमने, देन इसको हमने क्या किया स्टूडेंट जेड मान लिया, देन जेड मानने पर हमारे पास ये वैल्यू आई है ना। नाउ ई की पावर म्यू टी और सिग्मा जेड टी एक साथ लिखेंगे, ई की पावर म्यू टी को हम बाहर निकाल देंगे है ना, देन यहाँ पे माइनस 1/2 कॉमन निकाला तो ये आएगा जेड माइनस सिग्मा टी है ना, लाइक जेड स्क्वायर माइनस 1/2 माइनस निकाला जेड स्क्वायर माइनस 2 सिग्मा जेड टी हो जाएगा, देन सिग्मा टी का होल स्क्वायर कॉम प्लस करेंगे और माइनस करेंगे, देन ये इसका होल स्क्वायर जो है माइनस 1/2 इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस से, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी बाहर निकाल लेंगे है ना। नाउ इसको हम थीटा मानेंगे है ना, इस पूरे को थीटा मानेंगे तो ये हमारे पास इसकी डी जेड की वैल्यू जाएगी डी थीटा अपॉन 2 रूट थीटा, ये उठा के यहाँ आ जाएगा, देन स्टूडेंट यहाँ पे ये मैंने क्या करा है माइनस इनफाइनिट से इनफाइनिट को हम 0 से इनफाइनिट क्योंकि इवन फंक्शन है तो हम लिख सकते हैं, देन यहाँ पे ये रूट टू कितना हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, देन यहाँ से इसकी वैल्यू गामा 1/2 ये रूट पाई से रूट पाई कैंसिल, देन ये हमारा क्या होगा एम जी एफ होगा, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब मेरा जो नेक्स्ट आपको बताने वाला अगला जो क्वेश्चन है इस पर कि मीन और वेरियंस एम जी एफ की हेल्प से हम किस तरह से निकालते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, और साथ में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जो स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट होता है उसका एम जी एफ क्या होता है। तो स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट में क्या होता है स्टूडेंट, म्यू की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है और जो सिग्मा होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो जहाँ पर म्यू है वहाँ 0 रखेंगे, जहाँ सिग्मा है वहाँ 1 रखेंगे, तो इसका स्टैंडर्ड नॉर्मल जो वेरिएट होता है लाइक जेड जो होता है उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट, तो उसका जो एम जी एफ है वो निकलेगा। तो मैं आपको अभी आपको समझाता हूँ कैसे उसको हम निकालते हैं। सो स्टूडेंट यहाँ पे एक और चीज़ कभी कभी पूछ ली जाती है कि फाइंड द एम जी एफ ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट जेड, तो अगर आपको स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट जेड का अगर आपको एम जी एफ निकालना है तो हमें क्या निकालना है एम जेड टी निकालना है, एक्स की जगह जेड होगा क्योंकि जो नॉर्मल वेरिएट होता है वो जेड होता है, और जो जेड का फार्मूला होता है वो क्या होता है एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, ये इसका फार्मूला होता है, तो ये हम जेड की जगह रखेंगे, तो स्टूडेंट क्या होगा यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई की पावर एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा इंटू टी हो जाएगा राइट। नाउ क्या होगा देखो ई की पावर, अब यहाँ पे हम इसको लिखेंगे तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ क्या होगा इसको अलग अलग लिखेंगे, तो ये आएगा एक्स टी अपॉन सिग्मा है ना, और ई की पावर माइनस म्यू टी अपॉन सिग्मा हो जाएगा लाइक इस तरह से हम इसको क्या करेंगे वैल्यू रखेंगे। अब यहाँ पे जो ई की पावर माइनस म्यू टी अपॉन सिग्मा ये तो बाहर निकल जाएगा क्योंकि कॉन्स्टेंट है, ये आएगा ई की पावर एक्स टी अपॉन सिग्मा, और स्टूडेंट मैं आपको बता दूँ लाइक यहाँ पे ये जेड टी होता है ना, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू ये आती है, तो ये आएगा e की पावर माइनस म्यू टी अपॉन सिग्मा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं एम जेड एम एक्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा ये टी बाय सिग्मा हो जाएगा है ना, लाइक
ये टी जो है यहाँ आता है और जेड यहाँ आता है, तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक्स यहाँ आएगा और ये क्या आ जाएगा, इसकी जगह यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी, तो ये इसका क्या आता है, एम जी एफ आता है। और हम जानते हैं इसका जो एम जी एफ होता है स्टूडेंट, अभी मैंने आपको बताया था ई की पावर म्यू टी अपॉन सिग्मा, और मैंने आपको अभी बताया था कि इसका जो एम एक्स टी होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, ई की पावर म्यू टी प्लस सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन टू, ये इसका फार्मूला होता है। तो वो कभी फार्मूला हम यहाँ अप्लाई करेंगे, तो स्टूडेंट जहाँ पर टी वहाँ पर टी बाय सिग्मा लिखेंगे अपन, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, ई की पावर म्यू टी बाय सिग्मा हो जाएगा प्लस सिग्मा स्क्वायर, और जहाँ टी वहाँ टी बाय सिग्मा रखेंगे तो ये आएगा टी स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर अपॉन टू। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या होगा, देखो ये पावर ऐड हो जाएगी, तो ये आएगा ई की पावर म्यू टी अपॉन सिग्मा प्लस म्यू टी अपॉन सिग्मा प्लस ये सिग्मा स्क्वायर से सिग्मा स्क्वायर कैंसिल, तो टी स्क्वायर बाई टू हो जाएगा, और यहाँ से ये टर्म क्या हो जाएगी कैंसिल, तो इसकी वैल्यू आएगी e की पावर माइनस टी स्क्वायर बाय टू। तो यहाँ पे जो स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएंट होता है उसका जो एम जी एफ होता है वो इस तरह से हम निकालते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपके सामने बताऊंगा कि हम मीन और वेरिएंस किस तरह से निकालते हैं एम जी एफ की हेल्प से। सो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे मीन और वेरिएंस बाय द एम जी एफ, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन और वेरिएंस होता है हम एम जी एफ की हेल्प से भी निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट इसका जो एम जी एफ होता है वो कितना होता है, ई की पावर म्यू टी अपॉन म्यू टी प्लस सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन टू होता है, राइट। अगर आपको यहाँ पे मीन निकालना है तो मीन का जो फार्मूला होता है उसको हम ई एक्स लिखते हैं, है ना। तो हमारे पास ई एक्स क्या होता है, डी बाई डी टी ऑफ एम एक्स टी, और जहाँ टी होता है वहाँ हम क्या रख देते हैं, जीरो रख देते हैं। सो स्टूडेंट क्या करेंगे, डी बाई डी टी ऑफ ई की पावर म्यू टी प्लस सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन टू, इसको डिफरेंशिएट करेंगे और डी की जगह क्या रख देंगे, जीरो। तो स्टूडेंट इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हम जानते हैं ई की पावर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई की पावर ही होता है, देन इस टी का जो डिफरेंशिएशन होगा वो कितना होगा, म्यू, और यहाँ पे इस टी का होगा तो टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे टू आ गया, अगर टू से टू कैंसिल तो ये आएगा सिग्मा स्क्वायर टी, और जहाँ टी होता है वहाँ क्या रखेंगे स्टूडेंट, जीरो रखेंगे। तो ये टी है इसको जीरो रखेंगे तो ये आएगा ई की पावर जीरो, और यहाँ भी जीरो रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, म्यू। यहाँ से इसका जो मीन होता है वो कितना होता है, म्यू होता है। तो स्टूडेंट कभी कभी आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे कि फाइंड द मीन एंड वेरिएंस बाय द एमजीएफ, तो हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं, और अगर बिना एमजीएफ की भी बोलेगा तो भी हम ये यूज कर सकते हैं, राइट। अब हम बात करेंगे वेरिएंस, तो वेरिएंस का जो फार्मूला होता है स्टूडेंट, वेरिएंस का फार्मूला क्या होता है, ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर, राइट। तो हमें ई एक्स स्क्वायर चाहिए, तो ई एक्स स्क्वायर कैसे निकालते हैं, दो बार डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, एम एक्स टी का, और टी की जगह क्या रखेंगे, जीरो रखेंगे। तो एक बार स्टूडेंट, एक बार तो मैंने इसका डिफरेंशिएशन कर दिया यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, इसको डी बाई डी टी लिख देंगे, है ना, और ये आएगा ई की पावर म्यू टी प्लस सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन टू, है ना, म्यू प्लस सिग्मा स्क्वायर टी, एंड देन ये टी इज इक्वल टू जीरो। अब इसको एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ये यू इन टू वी से होगा, तो स्टूडेंट क्या करेंगे हम यहाँ पे, सबसे पहले हम इसको इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ई की पावर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन टू, और ये वापस इसका होगा तो ये म्यू और सिग्मा स्क्वायर टी वापस आ जाएगा, तो ये आएगा म्यू प्लस सिग्मा स्क्वायर टी का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर हम ई की पावर म्यू टी प्लस सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर बाई टू को छोड़ेंगे और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा सिग्मा स्क्वायर, और जहाँ टी होता है वहाँ क्या रखेंगे हम, जीरो। तो स्टूडेंट जहाँ पे टी है वहाँ जीरो रखेंगे आप, तो ये ई की पावर जीरो तो वन हो जाएगा, और यहाँ पे टी की जगह जीरो रखेंगे तो जीरो हो जाएगा, तो ये आएगा आपके पास म्यू स्क्वायर, और यहाँ पे भी ई की पावर टी की जगह जीरो रखेंगे तो ई की पावर जीरो वन हो जाएगा, तो बचा सिग्मा स्क्वायर, तो ये हमारे पास किसके लिए आएगी, ई एक्स स्क्वायर की आएगी। नाउ स्टूडेंट ये वैल्यू उठा के हम यहाँ रखेंगे तो ये आएगा म्यू स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर माइनस ई एक्स, ई एक्स की वैल्यू कितनी आई, म्यू, और इसका हम होल स्क्वायर करेंगे तो ये टर्म से ये टर्म क्या हो जाएगी कैंसिल, तो यहाँ से हमारा क्या आएगा, वेरिएंस आएगा। तो स्टूडेंट इस तरीके से हम यहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और वेरिएंस निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ एम जी एफ। तो स्टूडेंट मुझे लगता है मेरा ये जो पूरा टॉपिक है आपको समझ में आया होगा। स्टूडेंट इसके बाद मैं आपके सामने लेके आने वाला हूँ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे जो बेस्ट एरिया प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो किस तरह से हम सॉल्व करते हैं, उसके बाद फिर मैं आपके सामने लेके आऊँगा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। सो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, उसका मीन वेरिएंस, उसका एम जी एफ किस तरह से निकालते हैं वो भी मैं आपके सामने बहुत जल्दी लेके आने वाला हूँ। और स्टूडेंट मैं आपको बता दूँ कि जो मई आ रहा है, मई के बाद मेरी जो भी लाइक जून जुलाई अगस्त में, इन तीन महीनों में मैं आपके जो गेट और आईआईटी जेएम से रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो भी मैंने थ्योरी यहाँ पढ़ाई है उनसे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो भी मैं आपके सामने बहुत जल्दी लेके आने वाला हूँ। सो बने रही मेरे चैनल के साथ, और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें। और स्टूडेंट यहाँ पे लास्ट में बता रहा हूँ, जो ये जितने भी मेरे प्लेलिस्ट है यहाँ पे आप मेरे सभी वीडियोज़ को जाके देख सकते हैं, और
आप अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको चैनल के बारे में आइडिया नहीं। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे कमेंट में बताया कि सर मैंने चैनल एग्जाम से 2 दिन पहले देखा या एग्जाम से 1 दिन पहले देखा। तो अगर आप देखो, मैं एक टीचर ये मानता हूँ कि ज्ञान बढ़ाने से बढ़ता है, कभी कम नहीं होता है। तो कभी भी दिमाग में ये ना रखें कि यार उसके नंबर ज़्यादा आ जाएंगे, यार इसके नंबर ज़्यादा आ जाएंगे। आप मन बढ़ा रखिए, सबका भला होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू।